कुलदीप, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मैं कुछ कहना चाहता हूं। थैंक यू सैम, थैंक यू सो मच। तुमने हमेशा मुझे मेरे मेंटल ब्लॉक से आजाद किया है, पहले उस लिमिटेड जॉब से, उस छोटे से शहर से, और आज मेरी छोटी शादी से। ये सब मैंने पहले किया होता ना तो आज वैलेंटाइंस डे के दिन मैं शुभ्रा के साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ होता। हां सैम, पता है, मैं समझता हूं शायद इसीलिए भगवान ने हमें मिलाया। तुम सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी स्ट्रेंथ भी हो, जो कभी मुझे रुकने नहीं देगी, ना कभी मुझे हारने देगी। और आज भी तुमने वही किया है, सच कह रहा हूं मैं। बता नहीं सकता हूं कितना फ्री फील कर रहा हूं मैं। बस अब मेरी ये आखिरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करोगी तुम। करोगी ना? रोने की एक्टिंग बंद कीजिए, गला खराब हो जाएगा। कुलदीप का दिमाग खराब होने से तो अच्छा है मेरा गला खराब हो जाए। नहीं बीजी, बस कीजिए। अब आप भी सैम को एक्सेप्ट कर ही लीजिए ना बीजी। मेरे और कुलदीप के बीच की शादी की जो डोर है बीजी, वो तो तार तार हो ही चुकी, बस बच्चों की वजह से एक कड़ी जुड़ी हुई है। मैं तो यहां बस अपने बच्चों को अपने पापा का प्यार और उनका हक दिलाने आई हूं बीजी। एक बार मेरे बच्चों को उनके पापा का प्यार मिल जाए, मैं यहां से चली जाऊंगी बीजी। मेरा कोई काम नहीं है फिर। और उसके पापा की जिंदगी में जो पनौती है उसका क्या? उसका क्या बेजी? वो कुलदीप की लाइफ का हिस्सा है, मेरी लाइफ का नहीं। कुलदीप बच्चों के बिना नहीं रह सकता और समायरा उसे बच्चों के साथ नहीं रहने देगी। क्यों मौका दे उस चुड़ैल को बच्चों को बाप से अलग करने का? बेटा ये हार मानने का टाइम नहीं है, हम निकालेंगे बेटा उसको इस घर से ही नहीं, कुलदीप की जिंदगी से भी। पता नहीं बीजी, ये गांठ अब उस दिन खोलूंगी जिस दिन शुभ्रा और कुलदीप के रिश्ते की गांठ दोबारा बन जाएगी। आई नेवर से नो टू यू। बीजी की बात मान लो। व्हाट कुलदीप, वो मुझसे मेरे प्यार का प्रूफ मांग रही हैं, लाइक रियली? अरे सैम, 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 ये सब सिर्फ उनकी तसल्ली के लिए है। अरे शुभ्रा ने तो हार मान ली है ना, और बीजी भी तुम्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहती है। बस उनकी ये जो एक टेस्ट है ना, उसके लिए हाँ कह दो, उसके बाद हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तुम्हारे और मेरे बीच और कोई नहीं आएगा। जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होगा, सिर्फ तुम, मैं और हमारे सपने। पर क्या तुम सीधे सीधे अपनी बीजी को मना नहीं कर सकते कि ये सब नॉनसेंस है? शी शुड स्टॉप ऑल दिस। सैम, सैम, लुक,
मैं जानता हूं कि तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। अगर तुम मेरे लिए चैलेंज एक्सेप्ट करती हो ना, तो आई बी हैप्पीएस्ट। क्या मुझे तुम और प्राउड फील करने का मौका नहीं दोगी? दोगी ना? हाँ, एंड तुम इसमें अकेली नहीं हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यू नॉट अलोन, आई प्रॉमिस यू सैम। बोलो, करोगी ना? जी, समायरा आपका टेस्ट देने के लिए तैयार है। कुलदीप के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटूंगी, प्रॉमिस पीछे। ओए, ये हुई ना मेरे बहू वाली बात। मैं जानती हूँ बेटा, तुम कुलदीप से कितना प्यार करती हो, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं तुम्हारा, बस एक हफ्ता। एक हफ्ता? एक हफ्ते में तू मुझे भरोसा दिलवा दे कि तुम्हारे प्यार की, तुम्हारा प्यार लाइफ टाइम गारंटी वाला है, हैं? बस है? मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दे के बेटा तीर्थ चली जाऊंगी और शुभ्रा ने बच्चे लेके अपने घर चले जाने हैं। बीजी बच्चे, अरे बच्चों का ब्राइट फ्यूचर मैंने यहाँ देख के रखा हुआ है, वो क्यों जाएंगे? नहीं नहीं बीजी, बच्चे यहाँ हमारे साथ रहेंगे। दीदी पानी। दीदी अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, अरे अम्मा के बिना बच्चे तो यहाँ से भाग ही जाएंगे, बस आपने भैया की अम्मा के सामने हीरोइन बनना है, प्लीज। बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? मैं। प्रोजेक्ट के लिए 5 मिनट नहीं थे तुम्हारे पास कुलदीप, फुल टाइम ड्यूटी है। ताना नहीं मार रही हूँ और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है, अपने बच्चों की चिंता है मुझे, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ और बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें एक बेसिक डेली रूटीन बता देती हूँ मैं। सुबह 7:30 बजे से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है। दोनों बच्चों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है, उनका अलग अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कुलदीप। नाश्ता और खाने में दोनों की अलग अलग पसंद है। स्कूल शुरू हो गया तो 2 अलग यूनिफॉर्म्स हैं, किस दिन क्या पहनाना है इसका ध्यान रखना पड़ता है। सब्जेक्ट के हिसाब से टेक्स्ट बुक और नोटबुक उनके बैग में रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कुलदीप, रोज बच्चों के साथ बैठकर उन्हें 2 से 3 घंटे होमवर्क कराना होता है। प्यार से, बच्चे हैं तुम्हारे, एम्प्लॉय नहीं।
कर पाओगे कुलदीप? ऑफ कोर्स। पता है सब, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे भी सैम एक्सपर्ट है मल्टीटास्किंग में, है ना सर? बस यही तो देखना है पुत्र मुझे। तो तुझसे प्यार का मतलब है तेरी माँ से, तेरे बच्चों से भी प्यार करना ना। मतलब सबको अपना समझना होता है बेटा। क्या है ना, इस उम्र में मुद्दल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है बेटा। बस ये एक बार एक अच्छी माँ अच्छी पहू बन के दिखा दे, मेरी तरफ से सारे सिग्नल ग्रीन है। फिर तुम चारों मिलके मजे करना, मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजते रहना। कुलदीप क्या हो रहा है ये सब? मुझसे ये सब नहीं होगा, प्लीज। आ गया जी रिजल्ट। बता बेटा, अब मैं तुझे छोड़ के बच्चों को इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊं? देख बेटा, शुभ्रा से ही कहती है, बच्चों को देखभाल की जरूरत होती है, ममता की जरूरत होती है। ऐसी हालत में तो उन्होंने मुरझा जाना है। ऐसे मुरझाए हुए बच्चों की शक्ल मैं नहीं देख पाऊंगी बेटा, व्हाट्सएप ना करियो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटा। जी? नहीं, ऐसे भारी दिल के साथ मैं तीरथ पे कैसे जाऊंगी? मैं तो चटा जी के पास चले जाना है। माय गॉड, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप, प्लीज। ठीक है, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। ओए मैनू पता था पुत्र तू हार नहीं मानी, सच में मेरे पुत्र की जिंदगी में तू आई बाद में, जाएगी पहले। मेरा मतलब है मैं चले जाना है पहले, है? ओ, क्योंकि तूने तो बहू होने की टेस्ट में माँ होने की टेस्ट में 100 में से 100 नंबर ले आने हैं, है नहीं? शाबाश। चलो भाई सो जाओ सब लोग, तू भी सो जाया कर कभी। किधर? कोई किनारा पकड़ ले, चल किचन में सो जा, जा। जी। और सो जाओ, अब कल से 1 हफ्ते का एग्जाम है, है? आज रात चैन से सो जा, ठीक है? सो जाओ, आराम करो थोड़ा, है? गुड नाइट पीजी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट पीजी। गुड नाइट। डा रा रा टा टा बुझ कहती है। पीजी मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। और पीजी मैं अभी इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगी। ये हो गया पुत्र, हैं? की गल है? पीजी वो कितनी इनसेंसिटिव है ये मैं जानती हूँ, मैंने देखा है उसे। बच्चों को देखकर भी उसका मन नहीं बिगड़ता है। पीजी आप भूल गए क्या किस तरह से ऋषि को उसने स्टोर रूम में बंद किया था चूहों के साथ? आज भी सोचती हूँ तो मेरा मन दहल जाता है, रूह कांप उठती है। बीच मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा हाल जैसे जैसे बुरा होता जा रहा था उसे और मजा आ रहा था। बीच नहीं, बीच मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने दूंगी। बीच मैं उसे अपने बच्चों की माँ बनने ही नहीं दे सकती। वो तेरे बच्चों की माँ बन ही नहीं सकती पुत्र, अरे नाटक में भी नहीं। और ये याद रख ले, टेस्ट वो समायरा का है, बच्चों का नहीं है। कुलदीप को बाकी किसी की फिक्र हो ना हो,
बच्चों की फिक्र है उतनी ही जितनी तुम है, इसलिए समायरा की असलियत बच्चे ही कुलदीप के सामने ला सकते हैं। फिर उसे तो अच्छी मां बनना है ना, तो बच्चों का क्या बिगाड़ लेगी? और बाकी बच्चों के साथ तो असली मम्मियां हैं ना। पीछे घर, अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं, तूने कहा था ना दया माया प्रेम ममता ऐसी कोई चीज है नहीं उसमें। मैं कहती हूँ जरा खींचातानी हुई नहीं, फट से असलियत बाहर आ जानी है, बस कुलदीप को भी समझ में आ जाएगा बेटा कि वो उसकी पत्नी बनने के लायक है नहीं, वो उसके बच्चों की माँ बनने के लायक नहीं है, वो मैं क्या, वो किसी रिश्ते के लायक नहीं। तू तीरा चरक उतर, उसकी कमजोरी पहचान और अपनी अच्छाई की ताकत को बनाए रख, बच्चे देखना कुछ ही दिन में अपने पापा को वापस ले आएंगे। तू बस इशारा कर दे अपनी टीम सीता को, बच्चे जीत के वापस ना आए ना, नाम बदल देंगे दोनों का, दोनों का। पर बच्चों को कैसे समझाएंगे? अभी तक सो रही है? हाँ, मम्मा कितनी स्वीट लग रही है ना, मैंने तूने पहली बार ऐसे सोते हुए देखे सुबह, तूने कभी देखा? मैंने तो आई को हमेशा नाके रेडी देखा है। मम्मा कितनी स्वीट लग रही है ना, मैंने तूने पहली बार ऐसे सोते हुए देखे सुबह, तूने कभी देखा? मैंने तो आई को हमेशा नाके रेडी देखा है। आई मम्मा, मैं अभी और सोऊंगी। मेरी छुट्टी है पूरे एक हफ्ते की। आपकी छुट्टी मम्मा? आपको स्कूल या ऑफिस छोड़ना चाहते हो जो आपकी छुट्टी है? किसने दी आपको छुट्टी? मैंने दी छुट्टी। दादी आपने? मतलब आप लोग खुश होते हो ना जब संडे आ रहा होता है? क्यों? तब छुट्टी होती है। शाबाश, तो उस दिन पापा को भी आराम होता है क्योंकि पापा की भी छुट्टी होती है, तो संडे को काम से छुट्टी, पढ़ाई से छुट्टी, है ना, काम से टोटल ब्रेक। पर मम्मा के लिए तो कोई छुट्टी नहीं होती, ना कोई संडे, ना कोई समर ब्रेक, ना कोई विंटर ब्रेक,
उल्टे छुट्टियों में तो तुम्हारी डिमांडें बढ़ जाती है। हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, वहां घूमना है, देर सब सोना है। बताओ, मम्मा को भी छुट्टी चाहिए ना, वो भी थकती होगी ना, तो हमने आज मम्मा को छुट्टी दे दी। थैंक यू दादी। अच्छा हुआ आपने मम्मा को छुट्टी दे दी, अब उनको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। अच्छा है। अब हमें प्यार कौन करेगा? अब हमें नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? फिर भी पढ़ाई कौन करेगा? आज तो आई मुझे टेबल पढ़ाने वाली थी। रावण आंटी कराएगी, ठीक है? रावण आंटी? क्या है ना? शुभ्रा, इनके सवालों के जवाब तू दे दे बेटा, बाकी सारा मैं संभालूंगी। एलेक्स, उठ जा। आजा मेरा बच्चा। गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग मेरा लड्डू। गुड मेरा लड्डू। आई, दादी बोल रही है आज से हमारे सारे काम रावण आंटी करेंगी। हाँ। पर क्यों मम्मा? क्योंकि अब वो हमारे साथ यहीं रहने वाली है।